Bro, your English is very hard to understand. You speak American English. ये लिखा है 8th Street और ये है Tubman Boulevard. Oh, I thought it's New York. Oh my God. इनका तो roads का system भी सारा US की तरह है. ये देखो, अमेरिका की स्कूल बस जाने लग रही. पर अमेरिका में नहीं है. दोबारा रिमाइंड करा दूं मैं आपको. लाइबेरिया के बहुत से लोगों का तो ये भी मानना है कि ये कंट्री US की 51st स्टेट बनेगी. यहाँ पे भाई मेरे को सभी लोगों ने बोला है फोन का खास ध्यान रखना है. फोन छीन लेते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा. भाई इन चमगादड़ों ने तो पूरा आसमान ढक दिया है और मेरे पीछे भाई होगी इनकी लड़ाई. दोस्तों, लाइबेरिया इज वन ऑफ द थ्री कंट्रीज फॉर्म्ड बाय फ्रीड स्लेव्स फ्रॉम द अमेरिकास. जी हाँ, 300 साल पहले जिन स्लेव्स को अफ्रीका से अमेरिकाज में ले जाया गया था, यूएस में, कैरेबियन में या नॉर्थ अमेरिका के और पार्ट्स में, कई पीढ़ियों के बाद उन्हीं स्लेव्स के डिसेंडेंट्स को अब वापस अफ्रीका लाके छोड़ा गया था और ये कंट्री फॉर्म की गई थी लाइबेरिया. इसके अलावा जो बाकी दो कंट्रीज है विच वर फॉर्म्ड बाय द फ्रीड स्लेव्स फ्रॉम द अमेरिकास, और सियेरा लियोन जिधर अपन लाइबेरिया से पहले थे, और हेती जिधर अपन कैरेबियन में पहले गए थे. सियेरा लियोन वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी और हेती एक फ्रेंच कॉलोनी थी. लाइबेरिया की शुरुआत अर्ली 19th सेंचुरी में हुई थी ACS के द्वारा, यानी कि अमेरिकन कॉलोनाइजेशन सोसाइटी, जिसका मानना था कि ये जो ब्लैक लोग हैं जिन्हें अफ्रीका से स्लेव्स लाया गया था, अब इनके जो डिसेंडेंट्स हैं ये कभी भी एक बराबर की जिंदगी नहीं जी पाएंगे अमेरिका में, और सोसाइटी में हमेशा इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने वाली है. इसलिए इन्हें वापस अफ्रीका भेज दिया जाए जिधर ये एक आजाद और प्रोस्पेरस जिंदगी जी सके. अब ये जो फ्रीड ब्लैक स्लेव्स थे, इन्हें दो ऑप्शंस मिले कि या तो यहीं अमेरिका में रह जाओ अमेरिकन सिटीजनशिप के साथ, इस होप में कि किसी ना किसी दिन सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी, या फिर खुद अफ्रीका चले जाओ और अपनी खुद की सोसाइटी बना लो जिसे हम यानी कि अमेरिका फंड करेगी. अब 1822 में ACS के द्वारा वहां के फ्रीड स्लेव्स की सेटलमेंट्स यहां लाइबेरिया में स्टार्ट होती है और 15,000 से ज्यादा फ्री बॉर्न अफ्रीकन अमेरिकन्स को यहां लाया जाता है अमेरिका से, और साथ ही में 3,000 से ज्यादा एफ्रो कैरेबियंस को यहां लाया जाता है. अब ये फ्रीड स्लेव्स यहां पे आके अपनी खुद की एक अमेरिको लाइबेरियन आइडेंटिटी डेवलप करते हैं. ये सेटलर्स अपने खुद के कस्टम्स, कल्चर और ट्रेडिशन साथ लाते हैं. हालांकि ये जो फ्रीड स्लेव्स थे इनके एंसेस्टर्स भी अफ्रीका से थे, लेकिन इतनी पीढ़ियों के बाद अमेरिका रहने के बाद जब वो वापस लौट के इनके डिसेंडेंट्स अफ्रीका आते हैं तो ये जगह उनको बिल्कुल एक फॉरेन लैंड की तरह लगती है, और इस इलाके या जंगलों में जो ऑलरेडी इंडिजिनस या नेटिव लोग रहते थे उनसे ये अमेरिको लाइबेरियन लोग बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाते. लोकल इंडिजिनस ट्राइब्स जैसे क्रू या ग्रेबो के साथ इनकी लड़ाइयां चलती है, बहुत ही डिस्प्यूट होता है, लेकिन ये अमेरिको लाइबेरियंस अपने आप को इलीट समझते थे और ये अमेरिको लाइबेरियन लोग खुद का एक सिस्टम और गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं बेस्ड ऑफ US लेजिस्लेचर. इवन दो इस कंट्री में सिर्फ 5-7% पॉपुलेशन होती है अमेरिको लाइबेरियन लोगों की, लेकिन ये जो सिस्टम या गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं उसमें सारी पॉलिटिकल पावर्स इन अमेरिको लाइबेरियन लोगों के पास होती है, ना कि किसी भी लोकल या नेटिव इंडिजिनस लोगों के पास. ये अमेरिको लाइबेरियंस जो खुद को इलीट मानते थे और सारी पॉलिटिकल पावर्स इनके पास थी, ये लोग मेन एरियाज या फिर कोस्ट के ज्यादा नजदीक रहते थे और लोकल इंडिजिनस ट्राइब्स इनलैंड या फिर अंदर जंगलों की तरफ. हालांकि ये अमेरिको लाइबेरियन लोग खुद स्लेवरी से छुटकारा पाके यहाँ अफ्रीका आए थे, लेकिन इन्हें ये भी अक्यूज किया जाता है कि यहाँ के जो लोकल या इंडिजिनस लोग थे उनको इन्होंने खुद एज स्लेव्स यूज किया है रोड्स वगैरह बनवाने के लिए. तो लाइबेरिया के लिए ये माना जाता है कि एक अफ्रीकन नेशन है जिसे खुद कॉलोनाइज करा है अफ्रीकन अमेरिकन्स ने और फॉर्मर स्लेव्स ने, यहां तक कि यहां के जो इंडिजिनस अफ्रीकन्स है यानी कि इसी लैंड में जो लोग पैदा हुए हैं उन्हें लाइबेरिया की बर्थराइट सिटीजनशिप का भी हक नहीं था 1904 तक. हालांकि काफी टाइम तक लाइबेरिया वो स्टिल एन अमेरिकन कॉलोनी क्योंकि अमेरिका ही सारी चीजें फंड कर रहा था. 26 जुलाई 1847 को लाइबेरिया इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं. हालांकि US इसे शुरू में रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन 5 फरवरी 1862 को US इसे एज एन इंडिपेंडेंट नेशन एक्सेप्ट कर लेता है. लाइबेरिया काफी पहले आजाद हो गया था इसलिए इसे अफ्रीका की फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट मॉडर्न रिपब्लिक भी माना जाता है. आने वाले कई सालों और दशकों तक ये सारी पॉलिटिकल पावर्स इन्हीं कुछ चंद अमेरिको लाइबेरियन लोगों के हाथों में थी, और कैसे इस इनइक्वालिटी अगेंस्ट द नेटिव इंडिजिनस पीपल ऑफ लाइबेरिया का खात्मा हुआ और कैसे पावर्स इन अमेरिको लाइबेरियन लोगों से ली गई, इन सभी सवालों के जवाब अपन वीडियो में आगे एक्सप्लोर करते करते जानेंगे. जी हाँ, लाइबेरिया में एक बहुत बड़ा कू हुआ था जिस वजह से यहाँ बहुत इनस्टेबिलिटी रही, देश की पॉपुलेशन का काफी बड़ा परसेंटेज भी मारा जा चुका है, लेकिन फिलहाल यहाँ क्या सिचुएशन है और कैसे इस चीज का खात्मा हुआ ये सब चीजें अपन वीडियो में आगे जानते हैं. बाय द रेन और बाय द स्वेट, ईदर वे यू विल गेट वेट. वेलकम टू द वेटेस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, मोनरोविया. मोनरोविया लाइबेरिया देश की लार्जेस्ट और कैपिटल सिटी है, एंड मोनरोविया इज नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो. मोनरोविया जितनी बारिश दुनिया की किसी भी कैपिटल सिटी में नहीं होती, और यहाँ की एवरेज एनुअल रेनफॉल है 180 इंच या 4,500 mm. ये देखो, आपको अमेरिकन झंडे से सिमिलर चीजें दिख रही है ना, उधर भी देखो. वैसे तो लाइबेरिया इज अ कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका बॉर्डर्ड बाय सियेरा लियोन, गिनी, आइवरी कोस्ट, और इसके साउथ और साउथ वेस्ट में है अटलांटिक ओशन. और लाइबेरिया में सिर्फ दो सीजन होते हैं, ड्राई या वेट सीजन. फिलहाल दिसंबर से लेके मार्च तक का ड्राई सीजन चल रहा है इसलिए आपको बारिश नहीं दिख रही,
लेकिन ह्यूमिडिटी परमानेंट है, वो तो पूरे साल ही होगी। लाइबेरिया की दरअसल जो पॉपुलेशन है वो है 5 मिलियन से थोड़ी ज्यादा या फिर 50-55 लाख, और अगर इनके एरिया की अपन बात करें तो वो है 43,000 स्क्वायर माइल्स। जी हाँ, आप लोग सोच रहे हैं मैं माइल्स क्यों बोल रहा हूँ, माइल्स तो कोई और यूज ही नहीं करता अमेरिका के अलावा, और क्या ही अमेरिकन प्रेसिडेंट के नाम पे इनकी कैपिटल सिटी का नाम है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइबेरिया इज कॉल्ड मिनी अमेरिका इन अफ्रीका। ये देखो अमेरिका की स्कूल बस जाने लग रही, पर अमेरिका में नहीं है, दोबारा रिमाइंड करा दूं मैं आपको, हम अभी अफ्रीका में ही है दोस्तों। लाइबेरिया में ये लोग यूज करते इंपीरियल या फिर US कस्टमरी यूनिट्स, जैसे कि माइल्स, आउंसेस, गैलन्स, यार्ड्स, और इवन डेट भी ऐसे लिखते कि महीना पहले, फिर डेट और फिर साल एंड में, जो कि मेरे को पूरी दुनिया की सबसे स्टूपिड चीज लगती है सच बताऊं तो। और दोस्तों पूरी दुनिया में अभी 3 देश ऐसे हैं जो कि अभी भी मैट्रिक सिस्टम को यूज नहीं करते या उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है सिस्टम। वो 3 देश है अमेरिका, लाइबेरिया और तीसरा है म्यांमार या फिर बर्मा। इवन बर्मा में तो फिर भी आजकल लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, उन्होंने काफी हद तक अडेप्ट कर लिया है, पर यहाँ के लोग बिल्कुल भी नहीं भाई, US के पक्के चल रहे हैं। तो इन लोगों को समझ में ही नहीं आता भाई, किलोमीटर में आप कुछ बता दो, कर दो, दो सारी चीजें माइल्स में ही होंगी। लाइबेरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑब्वियसली इंग्लिश, और वो भी एक अमेरिकन एक्सेंट के साथ बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे काफी और नेटिव इंडिजिनस लैंग्वेजेस भी बोली जाती है, जैसा कि आमतौर पर ज्यादातर लोग कोलोक्वा भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक इनकी लाइबेरियन इंग्लिश क्रियोल टाइप है, जिसमें जो इनकी इंडिजिनस भाषाएं थी, लोकल नेटिव लोगों की जो भाषाएं थी, उनके कुछ वर्ड्स लिए गए अमेरिकन इंग्लिश के साथ। दोस्तों यहाँ की करेंसी है लाइबेरियन डॉलर, और फिलहाल के रेट के हिसाब से एक US डॉलर में 190 लाइबेरियन डॉलर, जिसे लिबर्टी बोलते हैं, होते हैं, और एक इंडिया के रुपए में 2.3 के करीब फिलहाल। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे US डॉलर भी एक्सेप्ट किए जाते हैं, मोस्टली जगह पे आप डॉलर में पेमेंट कर सकते हो, चाहे इनकी लोकल करेंसी दे दो चाहे डॉलर। बड़ी दुकानें जो आमतौर पर ज्यादा है वो ज्यादा एक्सेप्ट करती है डॉलर्स, जैसे सरकारी बसेज वगैरह, उधर शायद लोकल करेंसी में ही पे करना पड़ता है। बाकी अपन एक्सप्लोर करेंगे तो देखेंगे। ये देखो मेरे रास्ते में एक ये चर्च आया है, और ये बारिश के ये नलका सा लगा हुआ है, चर्च पे लिखा है बेरिया बैप्टिस्ट चर्च। इंटरेस्टिंगली यहाँ की पॉपुलेशन मोस्टली क्रिश्चियंस की है, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस, अनलाइक द रेस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका। 10-15% है इधर मुस्लिम्स, लेकिन मोस्टली क्रिश्चियंस है। हमने बाकी कंट्रीज में जो ट्रेंड देखा है वेस्ट अफ्रीका, वहाँ पे भी क्रिश्चियन मुस्लिम दोनों होते हैं, लेकिन मुस्लिम्स यूजुअली ज्यादा होते हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन ज्यादा है। भाई सड़क पे देखो ये लिखा हुआ है 8th स्ट्रीट, और ये है ट्यूबमैन बॉलीवुड। इनका तो रोड्स का सिस्टम भी सारा US की तरह है। अब जैसे ये है 8th स्ट्रीट, इसके पैरेलल होगी 9th स्ट्रीट, 10th स्ट्रीट, 11th स्ट्रीट, 12th स्ट्रीट, और उधर होगी 7th स्ट्रीट। US की वीडियोज में जैसा मैंने आपको न्यूयॉर्क में दिखाया था कि भी हर स्ट्रीट पैरेलल होगी एक दूसरे के, जो नंबर है उस हिसाब से, वैसे इनका पूरा US की तरह ही सिस्टम बटा हुआ है एवेन्यूज, बॉलीवुड्स और स्ट्रीट्स में। आप अगर स्क्रीन पे इनका फ्लैग देखोगे लाइबेरिया का, और साथ ही में अमेरिका का फ्लैग देखोगे, तो आप देखोगे इनके फ्लैग भी ऑलमोस्ट सेम से है, बस अमेरिका के फ्लैग में 50 सितारे हैं, यानी कि 50 स्टार्स, जो कि अमेरिका की 50 स्टेट्स को सिग्निफाई करते हैं, इधर के फ्लैग में सिर्फ 1 स्टार है। लाइबेरिया के बहुत से लोगों का तो ये भी मानना है कि ये कंट्री US की 51st स्टेट बनेगी। जी हाँ, 51 स्टार्स होंगे और 51st स्टार होगा लाइबेरिया के लिए, और ये अमेरिका की एक स्टेट बनेगी। मुझे पता है आप लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और क्यूरियस हो चुके होंगे अमेरिकन कनेक्शन में, देखिए कि ये क्या चल रहा है। लेकिन भाई सिर्फ इतनी कहानी नहीं है, लाइबेरिया के काफी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स भी ऐसे कि वो अमेरिका में पैदा हुए थे और यहाँ के प्रेसिडेंट्स रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ स्ट्रीट्स नहीं, बहुत सी जगहों के नाम भी, इनके मेन हार्बर या पोर्ट्स आप देखोगे उनके नाम भी ऐसे है, बुकाकान, हार्पर, ग्रीनविल, बिल्कुल अमेरिकन नेम्स भाई। अपन कोई बाइक, मोटो, टैक्सी लेके कुछ पहुंचते हैं इनके मार्केट की तरफ। मैंने भाई याद दे दिया है, कोई भी बाइक वाला रुकेगा तो। टैक्सी जा रही है, गाड़ियां जा रही है, ये मोटो बाइक वाला। मांबा पॉइंट, हाउ मच मनी? 200। ओके लेट्स गो। चलो भाई, 200 लिबर्टी बोल रहा है इसने, लाइबेरियन डॉलर, यानी कि अपने इंडिया के 100 रुपए से भी कम हो गए। बट ब्रदर बाइक चला ले भाई। यहाँ पे भाई मेरे को सभी लोगों ने बोला है फोन का खास ध्यान रखना है, फोन छीन लेते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा। अगर आपको वीडियो देखने में मिल रही है मतलब नहीं छीना। ब्रो योर इंग्लिश इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, आई कांट अंडरस्टैंड योर इंग्लिश, यू स्पीक अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिका इज माई ड्रीम कंट्री। ओके टेक डाउन और इज स्टील समन स्टील, ओके खेच ले भाई। ब्रो योर कंट्री इज लाइक अमेरिका, इट्स अमेरिका, न्यूयॉर्क, लेट्स गो टू कैलिफोर्निया, टेक टूवर्ड्स कैलिफोर्निया नेक्स्ट टू द बीच, और टेक मी टू फ्लोरिडा, हैव यू बीन टू फ्लोरिडा? नो, कम ऑन, इट्स योर नेबरिंग स्टेट, राइट नाउ दिस इज न्यूयॉर्क राइट, और मोनरोविया, इट्स कंफ्यूजिंग, ओ आई थॉट इट्स न्यूयॉर्क, ओ माई गॉड।
भाई ये इनका मेन सेंटर आ गया मोनरोविया का, उस तरफ शायद समुद्र है, मैं नहीं सका, समुद्र की तरफ छोड़ते मुझे। Where is the beach? Beach is there. You can stop here then. Stop here. Yeah. Is there beach there? No. Okay then. Take me to the beach. भाई पता नहीं क्या बोलता है, एक तो बॉडी लैंग्वेज से समझना पड़ता है। अरे भाई ये देखो यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी भी आ गई। ओ भाई साहब, भाई जो देश ही पूरा अमेरिका जैसा है उसकी एम्बेसी कैसे हुई? आप हिसाब ही लगा लो कितनी बड़ी एम्बेसी भाई। योर फ्रेंड? ओ भाई साहब ये पूरी एम्बेसी चढ़ रही है ऊपर देखो, और ये आ गया सामने समुद्र। अच्छा ये इनकी मार्केट सी है, बस यहाँ तार दे भाई कहीं भी। ये अपन आ गए भाई इनकी मार्केट में, भाई ने रोक दी अपनी बाइक। TVS bike, it's Indian. TVS is Indian. How much? 200? Thank you. भाई ये पूरी मार्केट की रोड है, इसके पीछे समुद्र, यहाँ पूरी दुकानें बनी हुई है, मार्केट्स वगैरह तरह तरह की। What do you have? I'm just watching bro, I'm sorry, I'm not gonna buy. But can I just see? No problem. Thank you. You can look for next time. तो भाई जैसे बता रहा था, यहाँ बोलते हैं कोलोकवा इंग्लिश की जगह, तो मैं एक दुकान में घुस गया, मैं इनसे बात करने लग गया, भाई मेरे को डिफरेंस बताओ इंग्लिश में और कोलोकवा में। इंग्लिश में जैसे हुआ ब्रिंग वाटर, कोलोकवा में बोलते हैं ब्रिंग वोटो। ब्रिंग वोटो, दिस इज कोलोकवा राइट? ब्रिंग वोटो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। माई नेम इज परम। योर नेम? सो व्हाई स्टे इन अ होटल? आई एम स्टेइंग इन अ बिल्डिंग ऑन 13th स्ट्रीट। टुगेदर या पॉल? Yeah, I'm going to come back with my friend in some time. Thank you so much, brother. Thank you. तो भाई मैं थोड़ा सा डिफरेंस जानना चाह रहा था, तो मैंने लोकल आदमी पकड़ लिया, मैं बोला मेरे को डिफरेंस होता। बाकी भाई अपने छोटे भाई है ये लाइबेरिया वाले, क्योंकि कश्मीर के डिस्प्यूट पे इन्होंने खुल के सपोर्ट करी थी अपनी इंडिया की, और इंडिया से काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट भी कराते हैं, लाइक फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक्स, ट्रैक्टर वगैरह, और ये TVS के बाइक और स्कूटर तो आपने देख ही लिए। लाइबेरिया के एथनिक ग्रुप्स की अगर हम बात करें ना, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है सच बताऊं तो, इधर के जो लोग हैं उनके बारे में मैंने ज़्यादा स्टडी करी नहीं अभी तक, क्योंकि पहले की जो कंट्रीज थी ना उधर ये एथनिक ग्रुप्स नहीं थे जो इधर है, कपेले, बासा, ग्रेबो, डान, ये सब है इधर, किसी भी है, किसी तो अपने को पहले मिले थे, मंडिन का भी मिले थे, पर बाकी सारे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना इधर के एथनिक ग्रुप्स, मोस्टली कपेले और बासा ही है, बाकी फिर और छोटे छोटे कई सारे एथनिक ग्रुप्स है, पर बेसिकली दिखने में सब सेम से आप नहीं डिफरेंशिएट कर सकते, और सबके अलग अलग काम है, कोई फार्मिंग करता है, कोई लेदर का काम करता है, कोई फिशिंग करता है, जैसे हमने इंडिया में कास्ट सिस्टम वगैरह, उसी तरह इन ट्राइब्स के भी, कम्युनिटीज़ के भी काम बटे हुए हैं। मैं जाने लग रहा हूँ अभी फिलहाल इंडियन एम्बेसी के पास में, इसी मार्केट में सामने आने लग रहे एक भाई जो कि अपने सब्सक्राइबर ही है, प्रशांत भाई है, एम्बेसी में ही काम करते हैं। देखो कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। ये है भाई इनके कुछ बीच का नज़ारा, बीच तो शानदार है यार। और इंटरेस्टिंगली भाई दुनिया में ना सबसे ज़्यादा शिप्स जो रजिस्टर्ड है ना वो लाइबेरिया देश में ही रजिस्टर्ड है, देख लो आप। खैर यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, ये भी कारण हो सकता है, और जब भी शिप्स यहाँ पे आती नहीं लगती है तो लोकल लोग शिपों में से सामान चुरा लेते हैं, तो अंधेरा होती है, शिप्स यहाँ से पोर्ट से दूर चली जाती है, लेकिन यार बीच तो खूबसूरत है कुछ भी कहो। इवन मेरे को भाई बताने लग रहे हैं कि वो इस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, हालांकि बहुत ही सिक्योर कॉम्प्लेक्स है ये, अंदर से प्राइवेसी की वजह से इधर मैं ज़्यादा दिखा नहीं सकता सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन बता रहे कि जब इनका खुद का भी सामान आता है घर का, शिफ्टिंग वगैरह का, जैसे शिप वगैरह में आए कंटेनर, उस कंटेनर में से लोग सामान उतार के भाग लेते, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है यहाँ पे। ये भाई एक अबैंडन्ड मॉल है यहाँ पे जो कि चाइनीज ने बनवाया था और कोविड के बाद से बंद हो गया था। ये जो स्ट्रीट है इसे UN स्ट्रीट बोलते हैं शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और इधर ये ना एक खुफिया पार्टी करने की जगह भी है। ये देखो यहाँ से घुसे, ये लग नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ भी रास्ता वगैरह है, लेकिन यहाँ से किसी तरह घुस के ये अबैंडन्ड मॉल के साथ जाओ और वो देखो बीच के साथ वहाँ पे पार्टी करो। ये क्या चीज़ है? ये भी कुछ अबैंडन्ड है क्या भाई? देख लो कमाल की चीज़ है, कुछ ना कुछ मतलब अजीब सा लग रहा है यार, पता नहीं वहाँ US एम्बेसी, इतना मॉडर्न एरिया, सारी चीज़ें, उसी पे ऐसी अबैंडन्ड बिल्डिंग्स पड़ी हुई है उसी रोड पे। ये भाई यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब, और भी गुरुद्वारे है यहाँ पे, एक यही है भाई। मेन रोड पे देखो फुटबॉल की प्रैक्टिस चलने लग रही है बच्चों की, मेन रोड है ये, रोड के किनारे भाई देखो कैसे प्रैक्टिस चल रही है, बहुत ज्यादा रिवाज है भाई यहाँ पे फुटबॉल का। बाकी भाई लाइबेरिया में फुटबॉल इतना पॉपुलर है कि इनफैक्ट इनके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, अभी जो प्रेसिडेंट इससे पहले तक है जॉर्ज वी है, वो आज तक के ग्रेटेस्ट अफ्रीकन फुटबॉलर उन्हें माना जाता है, और वो 1995 के बैलन दौर विनर है। बैलन दौर दरअसल फुटबॉल में सबसे बड़ा अवार्ड होता है, हर साल का जो बेस्ट प्लेयर होता है उसे मिलता है,
इकलौते अफ्रीकन थे वो, मतलब किसी अफ्रीकन कंट्री को जो फुटबॉल में रिप्रेजेंट करते हो आज तक जिन्हें वो मिला है। वैसे तो कितनी वियर्ड सी आयरनिकल सी बात है कि लाइबेरिया जो कि एक अमेरिकन इन्फ्लुएंस सोसाइटी या कंट्री है उधर फुटबॉल इतनी ज्यादा पॉपुलर है, जबकि अमेरिका में फुटबॉल पता ही नहीं लोगों को क्या होता है, मतलब मुश्किल से ही कोई खेलता है सॉकर। भाई शाम के बजे इस वक्त लगभग 6 और दुकानें देखो सारी बंद हो चुकी है, सारे शटर नीचे हो चुके, सब बंद है। ये देखो अंधेरे में चीज़ें यहाँ बंद हो लेती है सारी सेफ्टी की वजह से। और वो देखो सामने, कुछ समझ में आया? वाहेगुरु ट्रैवल्स का ऑफिस भी यहीं पे है भाई, बिल्कुल मेन टाउन में ही। मेरे ख्याल खुला है या बंद हो गया, ये भी मेरे ख्याल बंद करने लग गया, पर मैंने सुना है, ये मेरे को बता रहे थे कि रात को यहाँ पे गार्ड बैठते हो ऑफिस के बाहर, क्योंकि अंधेरा हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं देश में और सेफ नहीं है, चोरी वगैरह का इधर खतरा है लाइबेरिया में काफ़ी। पीछे से एक सब्जी वाला देख के काला मेरे को बोला ए पुदीना धनिया, ये इनकी सब्जी मंडी सी है भाई, मतलब अपनी इंडियन सब्जी करेला पुदीना धनिया ये सारी चीजें मिल जाती है। और ये देखो न्यूपोर्ट स्ट्रीट बेंसन स्ट्रीट बिल्कुल अमेरिका की स्ट्रीट्स की तरह ही, बीच बीच में तो मेरे को ऐसा लग रहा है मिनी इंडिया है ये, मिनी अमेरिका की जगह। ये देखो US डॉलर का एक्सचेंज रेट 190 यहाँ की लोकल करेंसी, इस तरह के करेंसी एक्सचेंज वाले यहाँ बैठे रहते हैं रोड किनारे। ये भाई सुपरमार्केट है जिधर इंडियन सारी चीज़ें मिल रही है, डाबर का चमनप्रास है भाई। ये देखो ये अमेरिकन डॉलर में इन्होंने रेट लिख रखे हैं 11.5 अमेरिकन डॉलर, 1000 रुपये इंडिया का ये चमनप्रास है। बोनविटा कितने का है? $7 का। अब $7 देख लो 500-600 रुपये इंडिया में, पता नहीं कितने का आता है। हॉर्लिक्स कॉम्प्लान, अरे यार इनको थोड़ी ज़रूरत है कालों को लेने की, अच्छा है अपने इंडियंस के लिए शायद। अमूल सफ़ेद मक्खन कितने का है? इसका रेट लिखा है क्या कहीं? $3 का, 250 रुपये का भाई है। बाकी भाई यहाँ पे सुपरमार्केट पे ही अल्कोहल बियर वगैरह सारी ड्रिंक्स मिल जाती है। रेट दिखाता हूँ एक बार एक्सचेंज इधर बियर का। ये भाई कोरोना हैनिकन, रेट तो लेकिन लिखिन रखे यार। ये मैंने आपको सीरा लियोनी में भी दिखाई थी वोडी ड्रिंक, इसमें भाई वोडका और लोकल एनर्जी ड्रिंक मिक्स करके देते हैं एकदम से, ये लोकल लोग आमतौर पर यही पीते हैं। लेकर सीधा मार लिया अपने भाई दाल अपने इंडिया की सारी $2.5 $3 $200 की, आधा आधा किलो की पैकिंग है शायद सारी, हाँ 500 ग्राम की। ये भाई विस्कीज रेड लेवल है $23 की, $2000 के करीब की, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। मैजिक मोमेंट्स अपनी इंडिया में जब वोडका आती है भाई, ये है $9 की, $800 कुछ की, इंडिया में शायद 400-500 की कुछ की आती है, बाकी सारी दारू है भाई यहाँ। बाकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से भाई लाइबेरिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज इन अफ्रीका, इससे महंगी डकार है मेरे ख्याल सबसे महंगी सिटी कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से अफ्रीका में, जो कि सेनेगल की कैपिटल है, उसके बाद शायद मोनरोविया ही हो लाइबेरिया, ये बहुत महंगी है भाई चीज़ें यहाँ पे। एक और चीज़ मैंने नोटिस करी भाई, यहाँ पे भी ना अमेरिका की तरह सड़क पे चलते हुए लोग आपको मतलब ग्रीट कर देंगे, वो पूछ देंगे हे हाउ आर यू, हे गुड इवनिंग, हे हाउ यू डूइंग, वो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कल्चर, मतलब अमरीकी समझते हैं लोग पूरे अपने आप को, चलते फिरते पूछ लेंगे हे हाउ आर यू, अनजान हो फिर भी। ये शुरू हो गया भाई इनकी लोकल मार्केट जिधर ये बेच रहे हैं जूते, जूते जो कि सेकंड हैंड होते हैं सारे, मैंने आपको सीरा लियोन की वीडियोस में दिखाया था, कुछ और फ्रूट्स वगैरह आप जीन्स वगैरह जो कि ये भी पुरानी है सेकंड हैंड, उधर कपड़े और मेरे पीछे भाई होगी इनकी लड़ाई कालों की, देखो लड़ने लग रहे फुल। एक चीज़ बता दूँ भाई मैं आपको, अफ्रीका में कुछ भी ना आपको, अरे यार बीट कर दी किसी ने, कोई बात नहीं, वैसे तो शुभ माना जाता है बीट करना, ये देखो भाई। हाँ तो मैं ऐसे कह रहा था भाई यहाँ पे ना अफ्रीका में स्पेशली इस पार्ट में अफ्रीका के आपको कुछ भी असली नहीं मिलने वाला, सारी चीजें नकली है, आप कोलगेट ले रहे हो कुछ भी ले रहे हो जो भी थी। ये देखो बाइक वाले राज्य हुए बोले हमारी वीडियो बना ले भाई भाई चीजें ना सारी नकली मिलेगी, इवन पेप्सी भी आपको नकली मिलेगी, जो पेप्सी के जो बड़े डीलर्स कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उसमें वो गबला करते ही है कि भी फ्लेवर कम डाला शुगर कम डाली, पेप्सी कोका कोला वाले तो अपने वहाँ से सामान भिजवा देते हैं सीधा और बोलते तुम यहाँ पे पैक करो बॉटलिंग करो और बेचो, और इवन डेट्स आपको सुपरमार्केट से कोई भी चीज़ आप लोग उसमें आपको दिखाई कि भी एक्सपायर नहीं हो रखी, लेकिन वो एक्सपायर्ड होती है मोस्टली चीज़ें, आप सुपरमार्केट से कुछ भी खरीदोगे उनकी डेट्स मिटा देते हैं और दोबारा नई डेट डाल देते हैं, क्योंकि भाई इन देशों में कौन एक्शन ले रहे हैं इनके खिलाफ़,
कौन केस कर रहा है कौन, ना सरकार इतनी स्ट्रिक्ट ना कोई लॉज, ऐसे कुछ करप्शन इतनी ज्यादा है ही। What? I'm not filming, I'm filming the building. Mind your phone f-ing business. ये सारे भाई जैसा भाई ने मेरे को बताया चमगादड़ है लाखों आसमान में, देखना बैट्स है भाई, ये पता नहीं क्यों उड़ रही इतने सारे लाखों। ओ भाई साहब कितने चमगादड़ है भाई, देखना आसमान में सारे चमगादड़ उड़ रहे हैं। Why are there so many bats here? भाई ये चमगादड़ खत्म ही नहीं होने लग रहे, सारे अमेरिकन एम्बेसी में पेड़ों पे से उड़ के शाम को जाते हैं, सुबह वापस एम्बेसी में आ जाते हैं अपनी ड्यूटी करने। अभी इनकी छुट्टी होगी, शाम का टाइम होगा ना भाई। ये देखो सड़कों पे कोई भी गाड़ी निकाल रहा होना तो सारे लोग, अफ्रीका में देखा एक आदमी बैक करवाने लग जाएगा, एक आदमी गेट खुलवा के गेट बंद कर देगा फिर पैसे मांगेंगे। बाकी यहाँ के लोग सही बताओ ना, मार्केट से मेरे को इतने फ्रेंडली वगैरह नहीं लगे, जिस तरह सियेरा लियोन में तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई, हर इंसान फ्रेंडली था, बात कर रहा था। यहाँ पे थोड़े ऐसे ही है, मतलब रूड से लग रहे हैं मेरे को बीच बीच में लोग। एक तो मैं बिल्डिंग की वीडियो बना रहा, एक आदमी साइड से गुजरा बोला कैमरा नीचे कर, मैं बोला बिल्डिंग बना रहा हूँ सूसरे तेरी नहीं बना रहा, फिर वो चुप हो गया। और मैं तेरी भी, तू सलमान खान है क्या, मैं तेरी बनाऊंगा चलते ही। और मैं इतना वो है तो अपने घर पे बैठ जा, क्यों सड़क पे बाहर मार्केट में निकला हुआ। कई लोग इस तरह के भाई टकरी जाते हैं हर जगह भाई, वो पीछे लड़ रहे थे अभी तक भी लड़ ही रहे, खैर उनका बाउट कंप्लीट नहीं हुआ। ये देखो भाई की फोटो उसमें ला के मेरे पीछे खींच गई, अब तो ये है भाई, ये मार्केट खुली रहती है अभी 7:15 बज गए, बाकी 6 बजे तक सारी मार्केट बंद हो जाती है, ये थोड़ी लेट तक चलती है, अभी अंधेरे तक शायद रहेगी खुली 15-20 मिनट और। भाई इन चमगादड़ों ने तो पूरा आसमान ढक दिया है और खत्म ही नहीं होने लग रहे। गोथम सिटी ज्यादा लग रही है मेरे को तो, बैटमैन वाली गोथम सिटी का पैसा और बैटमोबाइल हटा दो, वो है मोनरोविया अभी तो। देखना यार अब आ गया मैं इनके एक और किसी सुपरमार्केट में, ये सुपरमार्केट काफी बड़ी है भाई, ये शायद लेबनीज लोगों की और इंडियन नहीं है। इधर भाई अंडों का रेट है $3, $3 के 12 अंडे यानी कि 250 रुपये के 12 अंडे, 20 रुपये का एक अंडा भाई लाइबेरिया देश में। योगर्ट भी है यहाँ पे, पर यार इधर ना दही दूध की मौज नहीं है बिल्कुल भी, सब पाउडर वाले दूध से बनती है, तो बहुत परेशान हो रखा हूँ इस चक्कर में। ये है $1.70 की LBS में, देखो इसका वेट अब 225 LBS यानी कि 100 किलो, 2.25 से डिवाइड करोगे तो एक ग्राम में आ जाएगा 4.25 है, तो लगभग 200 ग्राम दही $1.70 की, और वो भी पाउडर वाली दही मिलेगी। इधर भाई बहुत परेशानी है दूध और दही की तो। ये तो हालांकि अच्छी बड़ी सुपरमार्केट लग रही है लेकिन इसका भी कोई भरोसा नहीं है, चीज़ें क्या पता एक्सपायर्ड हो, डेट चेंज कर रखी हो। अब फेंटा है यहाँ पे 60 सेंट की, और कोक है डाइट $1.10, 100 रुपये का कहना है भाई ये कोक का, मेरे को पता नहीं इंडिया में कितने की आती है, मैं तो पीता नहीं सब चीज़ें। ये भी 1.7 सस्ते वाला 60 सेंट का, ये शुगर वाला शायद सस्ता है, ये 60 सेंट का तो मान लो 50 रुपये का, ये बता नहीं इंडिया में कितने का आता, पर ये तो इतना महंगा नहीं है। ये स्निकर्स है भाई $4 की यानी कि भाई 320 रुपये की एक ये स्निकर्स, छोटे वाली है 1.25 की, ये भाई 100-110 रुपये की, महंगा ही है यार बहुत ही महंगा है लाइबेरिया सही में। दोस्तों मार्केट घूम के हम वापस चले गए थे इंडियन एम्बेसी और मैं वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि एम्बेसी के अंदर थे हम, मतलब यार कोइंसिडेंसेस की भी हदें पार हो गई आज तो। एम्बेसी गए, एम्बेसी में बैठ के हमने चाय कॉफी वगैरह पी, बातें करी, एक और सीनियर एम्बेसी के जो डिप्लोमेट थे इंडियन आदमी वो वहाँ पे आए, पता चला वो भी जाट थे, और फिर हमारी बातें शुरू हुई और भाई रिश्तेदारियाँ निकल गई। उन्होंने मेरी बात कराई, बोले कहाँ से, मैं बोला जी हिसार से, उनके जानकारी डिप्लोमेट किसी और कंट्री में थे इंडियन एम्बेसी में, उन्होंने उनको फ़ोन मिला दी कि भाई ये भी हिसार से तुम इनसे बात करो। उनसे मैंने बात करी तो मैं बोला कहाँ से हो, वो बोले लाडवी गांव से हिसार से, मैं बोला लाडवी जा खोदखेड़ा और सलेमगढ़, मैं सलेमगढ़ से हूँ। बात पता चली कि भी उनने पूछा कहाँ रहते हो, मैं बोला हिसार में, मैं बोला आप कहाँ रहते हो हिसार में किधर, बोले 15 सेक्टर गोविंद प्लेस के सामने, इतना नंबर पता चला वो हमारे पड़ोसी निकले ऑलमोस्ट, और उनकी जो सिस्टर है मतलब उसे मैं भी सिस्टर ही मानता था और हम मतलब सेम ही ग्रुप था स्कूल में हमारा,
इतना बड़ा कोइंसिडेंस हुआ, चलो कोई नहीं। उसके बाद बातें और बड़ी, ठीक है सर वाला मैटर खत्म हुआ। लेकिन फिर वो अपनी स्टोरी सुनाने लगे यूरोप की, जर्मनी में वो इंडियन एम्बेसी में थे और वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो फिर उन्होंने एक और किस्सा मेरे को सुनाया कि भी सोनीपत से भी एक जाट थे, तो जर्मनी में जब वो बर्लिन थे तो जो जाट थे सोनीपत से, उनको किसी चीज में इन्होंने हेल्प करी थी और बताया कि काफी बड़ी फैमिली से थे वो सोनीपत से, उनके भाई आईएएस थे, एक भाई ये था। तो जब भी उन्होंने सारी स्टोरी सुनाई ना, फिर वो बोले कि अब मैं काफ़ी नज़दीकी दोस्त हूँ उनसे जिनकी मैंने मदद करी थी जर्मनी में। मैंने उनका नाम पूछा, मेरे दिमाग में डॉट्स कनेक्ट हुए कि भाई बड़ी फैमिली, भाई ये वो ये। उन्होंने मेरे को नाम बताया, फिर मैं बोला उनकी वाइफ का नाम ये है, बच्चों का नाम ये है। तो टर्नड आउट कि वो मेरे जीजाजी थे, कज़न। तो मतलब भाई ऐसे ऐसे कनेक्शन जुड़े, हदें पार होगी मतलब यार। बाकी भाई फिर तो एकदम मज़ेदार माहौल बन गया था, हम बैठे रहे हंसी मजाक करे गए। फिलहाल रात के 12:15 हो रखे हैं और अब मैं वापस आया हूँ सोने के लिए। मेरे को तो अलग ही यूँ ही बोल रहे थे कि भाई यहीं रुक जाओ। बातें करे गए हम एम्बेसी के सारे लोग, इंडियन एम्बेसी के हम सारे बैठे और हंसी मजाक करे गए, खाना खाया साथ में, ज़बरदस्त खाना बना रखा था, उसके बाद आइसक्रीम वगैरह खाई, खूब मज़ा आया मतलब। तो अभी तो रात को लेट हो गए, चल के सोते, उठ के और कल एक्सप्लोर करते इस देश को। तो जैसा मैंने वीडियो में पहले बताया कि अब मुफ्त में नहीं बताएंगे ओपिनियंस, बताएंगे तो सिर्फ MPL ओपिनियों पे। अभी डाउनलोड करो मेरे लिंक से और पाओ एक बोनस भी। लेट्स गो।